अगर आप गिरो डीमेट अकाउंट को यूज करते हैं और गिरो डीमेट अकाउंट में आपने शेयर्स बाय कर और होल्ड कर रखे हैं और अभी के टाइम में जब आप उन्हें सेल कर रहे हैं तो सेल करते समय आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ रहा है टी पिन का। तो टी पिन आप कैसे जनरेट करते हैं और टी पिन क्या होता है, ये जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो आप टी पिन का यूज करना सीख जाएंगे, वो भी बहुत ही ज्यादा आसान तरीके से। तो अब चलिए दोस्तों चलते हैं अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर। तो बात कर लेते हैं दोस्तों ग्रो ऐप में टी पिन को कैसे जनरेट कर सकते हैं। उसके लिए पहले आपको अपने ग्रो ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस यहाँ पर शो हो जाएगा, जैसे कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ग्रो ऐप में टी पिन जनरेट करने के लिए आपको क्लिक करना है होल्डिंग पे। होल्डिंग पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने नीचे ऑप्शन आता है वेरीफाई होल्डिंग्स का, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है वेरीफाई यूजिंग टी पिन एंड ओटीपी। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर शो हो जाएगा। अगर आपके पास टी पिन है तो टी पिन आप अपना एंटर करेंगे और वेरीफाई पर क्लिक कर इसे यहाँ पर वेरीफाई कर लेंगे। दोस्तों अगर आपके पास टी पिन यहाँ पर नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे यूज़र हैं जिनके पास टी पिन होता है मगर उन्हें टी पिन का पता ही नहीं कि टी पिन क्या होता है, तो टी पिन अगर आपको भी नहीं पता कि टी पिन क्या होता है तो इसे कैसे जनरेट करते हैं पहले इसी बारे में बात कर लेते हैं। अगर टी पिन दोस्तों आपको याद नहीं है तो फिर आपको टी पिन फॉरगेट कर एक नया पिन बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको यहाँ से कैंसिल पर क्लिक कर पहले आ जाना है बैक। बैक आने के बाद दोस्तों अब आप यहाँ पर टी पिन अपना कैसे जनरेट करेंगे इस बारे में बात करते हैं। उसके लिए आप क्लिक करेंगे वेरीफाई होल्डिंग पे। नीचे आपके सामने ऑप्शन आता है फॉरगॉट टी पिन का, यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे और यहाँ दो ऑप्शन आपके सामने हैं, एक है सेट ए कस्टम टी पिन, एक है जनरेट टी पिन। दोस्तों अगर आप चाहें तो सेट ए कस्टम को सेट कर अपने हिसाब से टी पिन जनरेट कर सकते हैं, यानी अपना टी पिन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एक है जनरेट टी पिन का ऑप्शन, आप अगर इस पर सेलेक्ट करेंगे तो कंपनी आपको टी पिन यहाँ पर जनरेट कर देती है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर हम सेलेक्ट करते हैं सेट ए कस्टम टी पिन को, तो यहाँ पर दोस्तों हमारे सामने बायो आईडी आती है, तो इसे हमें कॉपी कर लेना होता है इस तरह से और कंटिन्यू पे हमें क्लिक करना होता है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद नीचे हमें आना है स्क्रॉल डाउन कर अपनी बायो आईडी हमें यहाँ पर इस तरह से एंटर कर देनी है। नीचे हमें पैन कार्ड नंबर एंटर करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ओटीपी आएगी, ओटीपी एंटर करेंगे, फिर अपना टी पिन हम एंटर कर यहाँ पर इसे सेट कर लेंगे अगर आप करना चाहते हैं कस्टम से। अगर आप चाहते हैं कि आपके टी पिन कंपनी आपको सेट कर दे तो उसके लिए आपको यहाँ से सिंपल जाना है बैक। बैक आने के बाद फॉरगॉट टी पिन पे क्लिक करेंगे वापसी और जनरेट टी पिन पे आप क्लिक कर देंगे इस तरह से। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आता है एंटर टी पिन का, तो अब आपके पास एक ओटीपी आएगी। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारे पास ओटीपी आ चुकी है और ये ओटीपी आपके पास आती है सीडीएसएल की तरफ से। तो ओटीपी हमारे पास आ चुकी है, हम ये ओटीपी यहाँ पर एंटर कर देते हैं। ओटीपी एंटर करने के बाद दोस्तों हम सिंपली क्लिक करेंगे वेरीफाई पे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमें कुछ सेकंड का वेट करना है और यहाँ पर हमें अब फिर से ओटीपी एंटर करनी है। अब हमारी ओटीपी हमारे मोबाइल नंबर पे और हमारी ईमेल आईडी पे सेंड की जाएगी। तो ओटीपी दोस्तों हमारे पास आ चुकी है और ये ओटीपी सीडीएसएल की तरफ से है। तो ओटीपी फिर से हम अपनी यहाँ पर एंटर कर देंगे। तो ओटीपी है हमारी, तो ओटीपी हम यहाँ पर अपनी एंटर कर देते हैं इस तरह से। ओटीपी एंटर करने के बाद फिर से हम क्लिक करेंगे वेरीफाई पे। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारी वेरीफाई होल्डिंग हो गई है। अब हम अपनी होल्डिंग को यहाँ पर सेल कर सकते हैं। जैसे कि अब हम इस तरह से सेल्स पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद सेल पे क्लिक कर देंगे इस तरह से, अपनी क्वांटिटी एंटर करेंगे जितने हमने बाय करी थी और सेल पे क्लिक करेंगे। सेल पे क्लिक करने के बाद सेल ऑर्डर सक्सेसफुल हो गया है, अब हम डन पे क्लिक कर देंगे और यहां से बैक आ जाएंगे। तो अब मैंने आपको इस वीडियो में जानकारी दे दी है किस तरह से आप टी पिन जनरेट कर सकते हैं ग्रो डीमेट अकाउंट में अगर आपने शेयर्स होल्ड कर रखे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो अब चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।